सीरियस हो गए हैं, मुझे इतना सीरियस माहौल अच्छा नहीं लगता है। तो पहली बात यही है कि इस गंजे का टेलीग्राम से कोई लेना देना नहीं है, ना जी से है ना स्माइली से है, और सर से तो मैं पहली बार मिला हूँ तो दोस्त भी नहीं हूँ मैं। तो आज एक्चुअली बहुत ज्ञानी लोग आए थे, और मतलब बोर तो नहीं मैं कहूँगा कि सीखने को बहुत कुछ मिला है सबसे, जितने भी यहाँ पे आए थे हमसे। आई थिंक वो लेक्चर से ज़्यादा ना उन्होंने एक सीख दे दी है कि यार आपको लड़ना पड़ता है, तो वो चले गए, मैं उन्हें कह नहीं पाया। तो लड़ाई तो हर चीज़ में है, ज़िंदगी लड़ाई है, आप खुश हो के भी काट सकते हो और दुखी हो के भी काट सकते हो। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल सर, और सर हमें एक्चुअली ये हम जम्मू में ना एक ना मैं बड़ी वीकनेस मानता हूँ, मैं भैया के साथ इस चीज़ में अग्री करता हूँ, हमें अपने लोगों का पता ही नहीं है कि बहुत सारे लोग किस मुकाम पर पहुंच गए थे, और हमें आज जैसे पहली बार मैंने उनके बारे में सुना है, तो ये बड़ी शर्मसार बात लगती है मुझे कि हम अपने लोगों के बारे में जानते नहीं हैं या उनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो थोड़ी कमियाँ हैं, तो आई थिंक अब वो हम चेंज कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, तो चेंज हो ही जाएंगी। तो वही हिम्मत पे या लड़ने पे मैंने एक बार एक कविता लिखी थी, तो वही मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो थोड़ा बोर भी हो सकते हो, कोई चक्कर नहीं। तो कविता का जो टाइटल है वो है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कहते हैं कि बह जाए जो पानी किसी में मिल ही जाता है, कि बह जाए जो पानी किसी में मिल ही जाता है, कम धूप में भी फूल खिल ही जाता है। कि बह जाए जो पानी किसी में मिल ही जाता है, कम धूप में भी फूल खिल ही जाता है। झड़ जाएं पत्ते सारे भी पेड़ सूख नहीं जाते, हर बार किस्मत साथ नहीं होती कोशिश करने वालों की। कि सर्दियों में हर दिन धूप नजर नहीं आती, मेहनत हर बार रंग नहीं लाती, नदी का भी भाव हर जगह बदलता है, सूरज भी तो हर दिन ढलता निकलता है। कि हर किसी के नसीब में मां नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं। कि कोई कितना भी अपना हो, ध्यान से सुनना, कि कोई कितना भी अपना हो कहीं छूट ही जाता है, कि कोई कितना भी अपना हो कहीं छूट ही जाता है, छोटी सी बात से भी दिल टूट ही जाता है। दिल जब टूटता है ना कोई आवाज़ नहीं होती, कि दिल जब टूटता है ना कोई आवाज़ नहीं होती, और किसी चीज़ को जब सब जिस चीज़ को तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो वो तभी क्यों पास नहीं होती, कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। किसी अरे गहरे से हमको आस नहीं होती, आशिक लोगों के लिए, कि किसी अरे गहरे से हमको आस नहीं होती, कभी मोहब्बत थी वो क्या हुआ हमारी आज बात नहीं होती। कि किसी अरे गहरे से हमको आस नहीं होती, कभी मोहब्बत थी वो क्या हुआ आज हमारी बात नहीं होती। कि गलत इंसान छोड़कर चला जाए, कि गलत इंसान छोड़कर चला जाए तो ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती, कि गलत इंसान छोड़कर चला जाए तो ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। और याद रखना, याद रखना, मधुमक्खियाँ एक कली के मुरझा जाने से उदास नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं। मैंने एक कविता लिखी है, बड़ी रफ सी, एक्चुअली मैं इतना लिख के नहीं आया था नया, तो वो मतलब मेरे को बड़ा ऐसे फील हुआ था कि मैं आजकल हम देख रहे हैं जम्मू के अंदर नई पीढ़ी की बात आ रही थी, कि जैसे हर पीढ़ी में ना एक चेंज आता है। जब हम 90s वाले बच्चे हो रहे थे तो हमें कार्टून नेटवर्क मिलता था ना, तो सबको हमारे टीवी से बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। तो हम सबको याद होगा कि यार कोई बड़ा आता था ना तो हमें घर वाले, हमें तो मतलब वो था कि जिसको वो बोलते हैं ना प्रोटोकॉल सेट था, कि पहले झुकना है, पांव दोनों छूने हैं, फिर साइड पे जाना है। तो धीरे धीरे क्या, वो जब मिलेनियल्स आए, ठीक है, जेन जी आई, जिसको हम 2000 के बाद के बच्चे, अब जो 2000 के 10 के बाद के बच्चे हैं ना, जिन्होंने फ़ोन इतना कंसिस्टेंटली देखा है, तो आप उनसे जब भी बात करने जाओगे ना, उनको बोलोगे बेटा कैसे हो, बेटा खाना खाया, बेटा खेलोगे, मतलब उनका ना ऐ ना एक वो आजकल वो एक बड़ा नॉर्मल सा प्रोटोकॉल हो गया। बट जो एक नई पीढ़ी में मुझे एक चीज़ दिखी ना, वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे आप, हम सब जम्मू में हैं और हम बहुत कंसिस्टेंटली सुन रहे हैं, जो हमारे शहर में कभी नहीं हुआ था, वो है सुसाइड्स। तो इस पर एक्चुअली कोई हमारे यहाँ इतना बोलता नहीं है, जहाँ पे सेमिनार होते हैं ना वहाँ पे वही लोग होते हैं जिनको पता है, जो आएंगे और चले जाएंगे। आई थिंक आपके जितने भी लोग हैं, मैं एक ही चीज़ सबको बोलता हूँ कि वो एक शेर है, मैं हमेशा बोलता हूँ कार्डियोलॉजिस्ट के
वहाँ पे सर्जरी वाले रूम के बाहर था, हमारे सर ने बताया था कि दिल खोल लेते यारों के साथ, नहीं खुलवाना पड़ता औजारों के साथ। तो वो एक एक्चुअली बड़ी गहरी बात है कि जिंदगी में हमेशा कुछ लोग आपके ऐसे होने चाहिए जिनको तुम कुछ भी बता सको यार। मतलब चुगली करने से जितना आराम मिलता वो किसी से नहीं मिलता, कई बार ज़रूरी हो जाती है। बट क्या है कि आज के जितने भी बच्चे हैं, तो अभी मैंने परसों भी सुना, तो वो हमारे नोन में किसी का वो सुसाइड हुआ, तो 18 साल में जब आप जाते हो तो आई फील लाइक कि उससे बड़ा पेनफुल माता पिता के लिए कुछ नहीं है। तो वही बोलूँगा कि अपने आगे पीछे वाले लोगों को जज करने से अच्छा है कि आप उनकी तकलीफ को समझें। तो उस पर एक छोटे से मैंने लिखा है, अभी रफ है तो माफ़ी अगर कहीं पर थोड़ी ख़राब लगे। तो है कि कभी हंसते खेलते छेड़खानी जिंदगी मौज मस्ती है मजाक है, कि कभी हंसते खेलते छेड़खानी जिंदगी मौज मस्ती है मजाक है, कि बच्चों की अर्थी को उठाए बाप के बुजुर्ग हाथ है, कि चिंगारी लगाई मुड़कर ना देखा, कि चिंगारी लगाई मुड़कर ना देखा, कुछ घंटों में सब राख है, कि चिंगारी लगाई मुड़कर ना देखा, कुछ घंटों में सब राख है, सोती होगी माँ ये कहकर खुद से, ये तो मेरे पुराने जन्मों के पाप है। कि पैदा हुआ तू उनका सितारा था, कि पैदा हुआ तू उनका सितारा था, तेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें अपना जीवन गुजारा था, कि तू पैदा हुआ तू उनकी आंख का सितारा था, तेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन गुजारा था, तुम्हारी हंसी गूंजती है अब भी खाली मकान में, कि तुम्हारी हंसी गूंजती है उस अब भी खाली मकान में, रह गए माँ बाप अकेले अरबों के जहान में, कि तुम्हारी हंसी गूंजती है अब भी उस मकान में, रह गए तेरे माँ बाप अकेले इस अरबों के जहान में, कि मन में तो सो बातें आती हैं, कि मन में तो सो बातें आती हैं सारी थोड़ी सच हो जाती, कि मन में तो सो बातें आती हैं सारी थोड़ी सच हो जाती हैं, इतना सोच सोच कर घबराता है क्यों, कि इतना सोच सोच कर घबराता है क्यों, जीने की हिम्मत हारता है क्यों, कि फिर क्या हुआ कि वो तारा टूट गया, कि फिर क्या हुआ वो तारा टूट गया, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा टूट गया, कि फिर क्या हुआ वो तारा टूट गया, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा रूट गया, कि परेशान इतना ना हो, कि परेशान इतना ना हो कि तुझे सिर्फ तू ही दिखे, परेशान इतना ना हो कि तुझे सिर्फ तू ही दिखे, कि तुझे अपने आगे पीछे वालों का, कि तुझे अपने आगे पीछे वालों का ख्याल ना रहा। बस इतना ही। मतलब मैं अभी बहुत लिख रहा था इस बात पे, तो ये बहुत एक्चुअली टची बात है। मेरी एक क्लासमेट ने, मतलब जैसे, मतलब हमारे एक नोन था कोई, तो जब मुझे उसका पता लगा, काफ़ी लोग आजकल कर रहे हैं, तो मैं यही आप सबसे एक्चुअली बोलूँगा कि इट्स ओके टू क्राई। मुझे ऐसा लगता था कि एक एज में जिन लोगों ने अभी बहुत सारों ने संघर्ष झेलना है, कई उन्हें बहुत अर्ली एज में झेलते हैं, तो उनको ना हमारी उम्र में जब हम छोटे थे, अरे रोना क्या होता है यार, लड़के नहीं रोते या लड़कियाँ नहीं रोती, तो ये चीज़ एक्चुअली कुछ भी नहीं होती यार, रो लेना चाहिए। कभी कभी मैं तो दिन रखता हूँ कि आज रोना है, क्योंकि अंदर से आपको पता होता है कि नीड है। तो मैं यही बोलूँगा कि अपने आगे पीछे के कम से कम 3 लोगों के साथ तो आप खुल के बात कर सकते हो और उनकी खुलकर सुन सकते हो। आई बिलीव कि जम्मू में आगे अच्छा माहौल चेंज होगा। थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अ पेशेंट ऑडियंस। थैंक यू सो मच।